नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्लास 10th ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो यहाँ बोला हुआ है कि कैसे चार्ज फ्लो करता है। चलो हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे पानी फ्लो करता है, चार्ज जो है ऐसे ही फ्लो नहीं करता किसी भी वायर से, जैसे पानी जो है हॉरिजॉन्टल वायर में कभी भी फ्लो नहीं करता। अगर आप एक ट्यूब को कनेक्ट करोगे वाटर टैंक से हायर लेवल पे, तो दूसरी तरफ प्रेशर बनेगा और पानी आएगा। तो वैसे ही एक वायर में फ़्लो करने के लिए एक तरफ क्या होना चाहिए, कुछ प्रेशर होना चाहिए जिसकी वजह से दूसरी तरफ क्या हो, चार्ज फ्लो कर सके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं ग्रेविटी की वजह से चार्ज फ्लो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो पॉइंट होंगे, मतलब एक वायर होती है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है, एक तरफ चार्ज ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ वो मूव करेगा। तो उसके लिए हम बैटरी अप्लाई कर सकते हैं या सेल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो एक तरफ चार्ज ज़्यादा है, एक तरफ चार्ज कम है, उसको उसके डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो द डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो बैटरी से भी बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रिक सेल से भी बनाया जा सकता है। तो जैसे ही केमिकल एक्शन होती है, तो एक तरफ पॉइंट में दो टर्मिनल होते हैं एक वायर के, तो एक तरफ चार्ज ज़्यादा होगा, एक तरफ चार्ज कम होगा, तो चार्ज फ्लो करेगा जिससे करंट फ्लो होगी, तो एक सर्किट पूरा जो है वो वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस हम यही बोलेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स में क्या है, वर्क डन कितना हो रहा है चार्ज को फ्लो करने के लिए, उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होती है, जो अलेक्जेंड्रा डी वोल्टा के नाम से आई है, जो इटालियन फिजिस्ट है। वन वोल्ट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होगा, अगर मैं बोलूँ वन वोल्ट कब होगा, तो यहाँ पे वर्क डन वन होना चाहिए, वन जूल, और कॉलम चार्ज कितना होना चाहिए, वन कॉलम्ब। तो हम बोलेंगे वन वोल्ट कब होगा, वन जूल पर कॉलम्ब। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो मीज़र किया जाता है वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैलर में ही कनेक्ट करते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना वर्क डन होगा जब हम चार्ज जो है टू कॉलम क्रॉस करेगा एक वायर से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, तो हमें निकालना डब्ल्यू है, तो वी इंटू क्यू हो जाएगा, वी 12 वोल्ट और क्यू 2 कॉलम, मल्टीप्लाई करके 24 जूल वर्क डन होगा जब 12 वोल्टेज होगी और 2 कॉलम चार्ज फ्लो करेगा।